टोहाना हलके में अब उगाही की नहीं सेवा की राजनीति ही चलेगी। टोहाना का हर शहर खुद को केंद्रीय मंत्री माने, ये सब आज देवेंद्र बबली ने टोहाना की जनता से कहा। बबली ने कहा कि मैं अकेला केंद्रीय मंत्री नहीं हूँ, हमारा हर टोहाना वासी अपने आप को मंत्री माने और अब भ्रष्टाचार या उगाही की राजनीति को खत्म करके सेवा की राजनीति को आगे बढ़ाना है। टोहाना हलके की तमाम समस्याओं का जिक्र करते हुए बबली ने कहा कि चाहे आपके जलभराव की समस्या हो या सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात हो या माताओं बहनों की सुरक्षा का मामला हो, मैं सदैव तत्पर हूँ और हमेशा ही सच्चाई और अच्छाई की राजनीति पर चलूंगा। दरअसल आज मंत्री देवेंद्र बबली टोहाना पहुँचे थे और यहाँ पर उनके साथियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। जोश में सिर्फ टोहाना के लोग ही नहीं बल्कि देवेंद्र बबली भी थे। शायद इसीलिए ही उन्होंने कह डाला कि अकेला देवेंद्र बबली केंद्रीय मंत्री नहीं बना, हर टोहाना वासी के सिर पर है मंत्री पद का ताज। आप लोग ये मत समझना कि आप आम नागरिक हो, हर टोहाना का मेरा भाई, हर टोहाना का वासी आज देवेंद्र सिंह बबली के रूप में एक कैबिनेट मंत्री है। आप उस ताकत को आम नागरिक के नाते भी आपका राइट है और एक मंत्री के नाते भी आपका राइट है। आप कभी यह महसूस मत करना कि अकेला देवेंद्र सिंह बबली मंत्री बना है, हर टोहाना का अल्कावासी चाहे वोट मुझे 1 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने दिए हो, लेकिन हमारे हल्के के 2.25 लाख जो वोटर है वो सारे के सारे कैबिनेट मंत्री हैं। इस बात को अपने आप जहन में बिठा लो और एक अच्छे नागरिक के नाते जो हमारी ड्यूटी हमारे शहर के प्रति, हमारे देश के प्रति, हमारे परिवार के प्रति है, उसको हमने ईमानदारी से निभाना है। देवेंद्र बबली ने अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा है कि अगर किसी भी अधिकारी ने हमारे हलके में लोगों को भ्रष्टाचार के लिए तंग किया तो वो अधिकारी ये तय माने कि उसे टोहाना में नहीं रहने दिया जाएगा। जो भी पैसा सरकार की तरफ से हलके के विकास के लिए आवंटित किया जा रहा है उसका एक एक पैसा शहर के विकास में उपयोग किया जाएगा। सारे के सारे ये जो दफ्तर में दलाल बैठे हैं ना, ये दफ्तर कई कई किलोमीटर तक लोग नहीं पाएंगे। एक दिन फैसला कराएंगे सारा अकेला बैठ के, अभी भी फिर कई दलाल उनके बाहर को जुकर गुड़ के बाहर को माखी नहीं मिले रहे, चू चू कर दी फिर पे भी कई मेरा है नीला में इलाज बन दूंगा सारे का, चिंता ना करो, लागे रहो काम पे, घबराने की जरूरत नहीं है। ताराबाई जितना नारा मैं उतना गर्म भी है। देवेंद्र ने कहा कि अब टोहाना में परिवारवाद और लूट की राजनीति चलने वाली नहीं है। बबली ने सौगंध खाते हुए कहा कि मैं स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से संबंध रखता हूं और मैंने जितनी मेहनत से खेती की उतनी ही मेहनत से व्यापार किया और अब उतनी ही मेहनत और सेवा भावना से राजनीति कर रहा हूं। टोहाना से सुशील सिंगला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।